Hello friends, welcome to our MCQ series which is useful for upcoming BPSC and other state civil services examination. Main characteristics of our MCQ series is all questions are based on exam pattern. Means हमारे MCQ series का main मुख्य विशेषता जिसको कह सकते हैं आप वह एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे. एग्जाम के पैटर्न जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन डिजाइन किया गया है. अनदर यूएसपी ऑफ आवर एमसीक्यू सीरीज इज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. दूसरा हमारे एमसीक्यू सीरीज का एक यूएसपी है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा. तो आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में क्या है. लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. यह पर्टिकुलर वीडियो हमारा ज्योग्राफी बेस्ड है, ज्योग्राफी बेस्ड एमसीक्यू से रिलेटेड है. तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एरियाज वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट डज नॉट प्रिवेल. निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पश्चिमी यूरोपीय प्रकार की जलवायु नहीं होती है. तो ज्योग्राफी में अगर ज्योग्राफी को देखा जाए सिलेबस तो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी होता है. दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं आप. फिजिकल ज्योग्राफी में जो अभी ट्रेंड चल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होता है क्लाइमेटोलॉजी, जिसको हिंदी में जलवायु विज्ञान कहते हैं. और इस क्लाइमेटोलॉजी में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है व्हिच इज क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, जलवायु वर्गीकरण. तो हमारा यह क्वेश्चन उसी टॉपिक से है, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन से है. अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पैटर्न को देखेंगे तो रेगुलर इस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जलवायु वर्गीकरण से एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, श्योर है. कभी कभी मोर देन वन क्वेश्चन भी होते हैं. तो आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और इस डिटेल एक्सप्लेनेशन में हम लोग इस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को भी समझने का कोशिश करेंगे. तो क्वेश्चन हमारा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट डज नॉट प्रिवेल. तो ऑप्शन आर साउदर्न चिली, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, तस्मानिया, कैप्टॉन, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव. निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पश्चिमी यूरोपीय प्रकार की जलवायु नहीं होती है. ध्यान रखना है दोस्तों, नहीं होती है और होती है. यस या नो के कारण भी बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस गलत होते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है. देखो एमसीक्यू सीरीज बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं वह नॉलेज से अधिक क्या होता है, वह स्किल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. यह छोटा छोटा स्टेटमेंट, छोटा छोटा यह पॉइंट, यह बहुत सारे क्वेश्चंस को गलत करवाता है. जैसा कि आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा. तो इन छोटे छोटे गलतियों को कंसिडर नहीं करना, जलवायु होती है या जलवायु नहीं होती है. तो हमारे यहां क्वेश्चन क्या है, जलवायु नहीं होती है, डज नॉट प्रिवेल. तो ऑप्शन मैंने देख रखा था दक्षिणी चिली, उत्तरी कैलिफोर्निया, तस्मानिया और कैपटाउन. तो इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या होगा, कैपटाउन होगा. दक्षिणी चिली, साउदर्न चिली में भी वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट होता है, नॉर्थ कैलिफोर्निया में भी वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट होते हैं, तस्मानिया जो ऑस्ट्रेलिया के नीचे है वहां पे भी क्या होता है वह वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट होता है. लेकिन कैपटाउन जो है अफ्रीका में, यहां पे वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट नहीं होगे, क्या होता है वह मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है, भूमध्य सागरीय जलवायु होते हैं. तो कैसे होते हैं और क्यों होते हैं आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. तो देखोगे क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में आप यहां पे दे रखा है 0 डिग्री अक्षांश है, यह विषुवत रेखा है, 40 डिग्री अक्षांश के आसपास का क्षेत्र जो यह भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र है, यह जो आप फिगर में देख रहे होंगे भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी है. तो 40 डिग्री अक्षांश के आसपास के क्षेत्र में जो जलवायु पाए जाते हैं वह क्या है, वह भूमध्य सागरीय जलवायु है. तो दोनों ही गोलार्ध, दोनों हेमिस्फीयर में जो 40 डिग्री अक्षांश के आसपास का क्षेत्र होगा वह क्या होगा, वह मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का क्षेत्र होगा, भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र होगा. जबकि इसके नीचे 60 डिग्री अक्षांश, जैसा कि यहां पे दिख रहा होगा, यहां पे दे रखा है वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट, वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट का यह एरिया है, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु के जो क्षेत्र होंगे वह क्या होंगे, 60 डिग्री अक्षांश के आसपास का क्षेत्र. तो भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र यहां पर कलर कर रखा है, भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र है यह 40 डिग्री अक्षांश के आसपास का क्षेत्र. इस क्षेत्र में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, इस क्षेत्र में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, इस क्षेत्र में कैपटाउन में भूमध्य सागरीय जलवायु, कैपटाउन में, यही मेरा क्वेश्चन था, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु कहां नहीं होता है, तो कैपटाउन में नहीं होता है. तो कैपटाउन में कौन सी जलवायु होती है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु होती है. फिर यहां पे देखोगे पर्थ है, एडिलेड है, इन सब क्षेत्रों में भी क्या होता है वह भूमध्य सागरीय जलवायु होती है. जबकि यह तस्मानिया है और यह न्यूजीलैंड है, और इस तस्मानिया और न्यूजीलैंड में कैसा जलवायु होता है, वह पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु होता है, जैसा कि यहां पे कलर किया हुआ है दिख रहा होगा आपको. अब यहां पे इंपॉर्टेंट है जो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एंड यूरोपियन टाइप क्लाइमेट, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु.
तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन के फॉर्मेट हो सकते हैं तो आप समझेंगे। सबसे पहला फॉर्मेट हो सकता है भूमध्य सागरीय जलवायु में जो रेनफॉल होता है, वर्षा होती है, वह कब होती है? वह विंटर में होती है, शीत ऋतु में होती है, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस भूमध्य सागरीय जलवायु से, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, यह एक ऐसा जलवायु प्रदेश है या इस एकमात्र जलवायु प्रदेश आप इसको कह सकते हैं विच इज डेवलप ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर प्रेशर, जो वायुदाब पेटी के विस्थापन के कारण होता है। और यह वायुदाब पेटी के विस्थापन का रीजन क्या होता है? सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना। तो किस वायुदाब पेटी का विस्थापन होता है? तो यहां पर देखोगे शीतोष्ण क्षेत्र में क्या है, शीतोष्ण निम्न वायुदाब की पेटी जो होती है वह क्या होती है, वह साउथ शिफ्ट हो जाती है। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए तो कब शिफ्ट होती है? यह शीत ऋतु में होती है, क्योंकि शीत ऋतु में सूर्य का दक्षिणायन कंडीशन होता है, सूर्य की लंबवत किरणें कहां होती है? दक्षिणी गोलार्ध में होती है, जिस कारण सभी वायुदाब पेटियां क्या होती है वह सौदर्न पार्ट में शिफ्ट हो जाती है। तो शीतोष्ण निम्न वायुदाब का क्षेत्र भी क्या होता है, वह दक्षिण शिफ्ट हो जाता है। और शिफ्ट होकर कहां आता है? यह भूमध्य सागर के क्षेत्र में आता है। और यह शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण निम्न वायुदाब क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। और चूंकि शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है और शीतोष्ण वायुदाब का क्षेत्र शिफ्ट हो जाता है, इसलिए इस तरह के चक्रवातीय वर्षा की उत्पत्ति अब भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। तो इस अक्षांश पर जो जो स्थान स्थित होगा, कहां पे? महाद्वीप के पश्चिमी तट पे या महाद्वीप का वेस्टर्न पार्ट है, उन सारे क्षेत्रों में क्या होगा, वह भूमध्य सागरीय जलवायु होगी। जबकि इसके ऊपर क्या होगा, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। अब पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु की क्या विशेषता होती है? पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु जैसा आप देख रहे होंगे, यह क्या है, यह सालों भर वर्षा होती है। क्यों वर्षा होती है? क्योंकि वेस्टर्नली विंड के प्रभाव में आता, पछुआ पवन के प्रभाव में आने के कारण क्या होता है, यहां पे सालों भर वर्षा होती है। तो अगर फंडामेंटल डिफरेंस पूछा जाए जो भूमध्य सागरीय जलवायु और पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु में क्या होता है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु इस जलवायु प्रदेश में केवल विंटर में वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है दोनों ही गोलार्धों में। और यह जलवायु प्रदेश कहां, कितने डिग्री अक्षांश के आसपास होता है, वह 40 डिग्री अक्षांश के आसपास होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश कहने का रीजन है क्योंकि इसका मैक्सिमम एक्सपांशन कहां है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है, इसलिए इसका नामांकन भूमध्य सागर के आधार पर किया गया है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे आप तो यह देखो कैलिफोर्निया का क्षेत्र, मिडिल कैलिफोर्निया का एरिया है, मिडिल कैलिफोर्निया का क्षेत्र क्या है, भूमध्य सागर जलवायु। फिर देखोगे मिडिल चिली, मध्यवर्ती चिली का क्षेत्र क्या है, भूमध्य सागर जलवायु। अफ्रीका में यह कैपटाउन का क्षेत्र है, भूमध्य सागर जलवायु। फिर ऑस्ट्रेलिया में पर्थ एडिलेड का क्षेत्र, यह सारे क्षेत्र में भूमध्य सागर जलवायु। ठीक उसी तरह से यूरोपियन टाइप क्लाइमेट में भी आप देखोगे यह मिडिल कैलिफोर्निया था, तो यह नॉर्दर्न कैलिफोर्निया का रीजन क्या है, वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट जहां सालों भर वर्षा होती है। फिर यहां पे साउदर्न चिली, दक्षिणी चिली में सालों भर वर्षा होती है। फिर यहां पे क्या है, वेस्टर्न यूरोपियन क्षेत्र जितने हैं सारे जगह सालों भर वर्षा होती है। फिर ऑस्ट्रेलिया में देखोगे तस्मानिया और न्यूजीलैंड के क्षेत्र में क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होता है, सालों भर वर्षा होती है, जो कहां है, वह पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैपटाउन, दक्षिणी चिली में भी सालों भर वर्षा, कैलिफोर्निया में भी सालों भर वर्षा और तस्मानिया में भी सालों भर वर्षा। तो राइट आंसर इज डी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। द कंट्री व्हिच इज द लार्जेस्ट सुगर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। देखो सुगर, कॉटन, यूरेनियम या फिर कुछ ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो कि इंटरनेशनल लेवल पे उसका डिमांड होता है, या भारत में भारत जिस प्रोडक्ट को सबसे अधिक एक्सपोर्ट करता है, या कभी कभी इंडिया किसी प्रोडक्ट को सबसे अधिक इंपोर्ट करता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर होता है, वैसे क्वेश्चंस देखेंगे आपके एग्जाम में आते हैं। सुगर कॉटन वगैरह तो रेगुलर यूजुअली है जो क्वेश्चन में रहता है किसी ना किसी डायमेंशन से। तो अगर अब रिसेंट रिपोर्ट देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश ब्राजील है, सबसे बड़ा उत्पादक ही नहीं है बल्कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री भी है। और ब्राजील और इंडिया के बीच हमेशा कंपटीशन होता है, कभी ब्राजील आगे होता है तो कभी इंडिया आगे होता है, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, ब्राजील सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। इसलिए इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, द कंट्री व्हिच इज द लार्जेस्ट सुगर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज ब्राजील। राइट आंसर क्या है हमारा, ब्राजील है। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन, Which one of the following not example of landlocked country? Landlocked को हिंदी में कहते हैं स्थल अवरुद्ध देश, अर्थात जो देश चारों ओर से क्या हो, स्थल से घिरा हुआ हो। तो ऑब्वियस बात है, देखोगे इस तरह के एक क्वेश्चन आपके आते हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में
होते हैं। इसलिए मैंने बोला सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पैटर्न पे होगा और एग्जाम के पैटर्न पे क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन जो होगा वह आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो आओ देखते हैं क्या है, इसके ऑप्शंस क्या है। पहला है हमारा बोलिविया है, दूसरा है लाओस है, तीसरा है अजरबैजान है, काफी न्यूज में भी रहा अजरबैजान, अफगानिस्तान भी है, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर क्या है इसमें, सी है, अजरबैजान है। अजरबैजान जो है वह लैंडलॉक्ड कंट्री का एग्जाम्पल नहीं है, अजरबैजान क्या है वह स्थल अवरुद्ध देश का उदाहरण नहीं है, जबकि बोलिविया स्थल अवरुद्ध देश है, लाओस स्थल अवरुद्ध देश है, अफगानिस्तान स्थल अवरुद्ध देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब देखोगे यहां पे एक क्वेश्चन होता है, रेगुलर पूछा जाता है, मैक्सिमम चांस होता है इसमें जो करंट अफेयर्स जो जहां पे समसामयिक घटना से संबंधित अगर कोई प्लेस है और वह लैंडलॉक्ड कंट्री होता है तो उसी से जनरली क्वेश्चन दिया जाता है। यहां अजरबैजान और आर्मेनिया दो कंट्री है, आर्मेनिया लैंडलॉक्ड है जबकि अजरबैजान क्या है वह लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। अगर आप देखोगे मैप पे तो साउथ अमेरिका में बोलिविया और पराग्वे, दक्षिणी अमेरिका में दो कंट्री हैं, बोलिविया और पराग्वे जो है वह क्या है लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दो ही कंट्री लैंडलॉक्ड है दक्षिणी अमेरिका में, साउथ अमेरिका में अगर आप देखा जाए तो दो ही कंट्री लैंडलॉक्ड है, इसलिए इसके पूछने की संभावना अधिक है। तो आप याद रखिएगा बीपी ब्लड प्रेशर, बोलिविया और पराग्वे आर एग्जांपल ऑफ लैंडलॉक्ड कंट्री। फिर आप साउथ ईस्ट एशिया, दूसरा हमारा ऑप्शन था साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में देखोगे एकमात्र कंट्री है लाओस, या लाओस है जो कि क्या है लैंडलॉक्ड कंट्री का उदाहरण है। लाओस की इधर देखेंगे आप वियतनाम है, नीचे कंबोडिया है, तो यह सारे क्या है यह सारे कोस्टल कंट्री है, लेकिन एकमात्र कंट्री कौन सा है लाओस जो है वह लैंडलॉक्ड कंट्री का उदाहरण, इसलिए हमारा यह सही नहीं होगा। फिर देखोगे यहीं पे आर्मेनिया है और अजरबैजान है, तो आर्मेनिया भी लैंडलॉक्ड कंट्री का उदाहरण है, टर्की है, ईरान है, इराक है, टर्की ईरान इराक के बीच सिचुएटेड है यह, जबकि अजरबैजान जो है वह लैंडलॉक्ड कंट्री का एग्जांपल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा अजरबैजान होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज एग्जांपल ऑफ इंट्रा जोनल सॉइल। देखोगे सॉइल से एक क्वेश्चन होता है, कभी क्वेश्चन बहुत आसान भी होते हैं, कभी कभी एक बार तो बीपीएससी यूपीएससी से के पैटर्न के अकॉर्डिंग यूपीएससी के पैरेलल क्वेश्चन पूछ रखा है सॉइल से ही। तो यहां पे क्वेश्चन इंट्रा जोनल सॉइल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज एग्जांपल ऑफ इंट्रा जोनल सॉइल, निम्न में से कौन सा इंट्रा जोनल सॉइल का उदाहरण है। इंट्रा जोनल सॉइल को हिंदी में कहते हैं अंतः क्षेत्रीय मिट्टी। अब देखो यहां पर समझना है सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल, जोनल सॉइल क्षेत्रीय मिट्टी, अजोनल सॉइल अक्षेत्रीय मिट्टी, और तीसरा है इंट्रा जोनल सॉइल, इसको कहते हैं अंतः क्षेत्रीय मिट्टी। जोनल सॉइल वह सॉइल होता है जिस मिट्टी का निर्माण उस क्षेत्र में ही होता है जहां से उसके चट्टान का विखंडन हुआ है। जैसे अगर किसी मिट्टी कहीं पैटर्नल रॉक्स है और उसके विखंडन से, उसके टूटने फूटने से अगर सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है और अपने वह फॉर्मेशन प्लेस पर ही स्थित है, अपने निर्माण स्थल पर ही स्थित है, तो वही जोनल सॉइल होता है, क्षेत्रीय मिट्टी होता है। अजोनल सॉइल वैसे सॉइल होते हैं जिसका निर्माण उस स्थान पर नहीं होता है जहां वह अभी उपस्थित है, अर्थात उसका निर्माण कहीं और होता है और वहां से वह क्या होता है ट्रांसपोर्ट करके कहीं और क्या क्या होता है डिपॉजिट क्या होता है, वह अजोनल सॉइल होते हैं। इंट्राजोनल सॉइल क्या होते हैं, इंट्राजोनल सॉइल वह उसी स्थान पे होते हैं लेकिन वहां पे क्या होते हैं केमिकल चेंज हो जाते हैं, जो उसके आधारभूत बेसिक रॉक्स होते हैं और जो सॉइल होता है दोनों के खनिज के गुण में जो मिनरल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें चेंज हो जाता है, उसको इंट्राजोनल सॉइल कहते हैं। अब जोनल सॉइल का एग्जाम्पल हो जाएगा ब्लैक सॉइल, जैसे बेसाल्टिक चट्टान के विखंडन से ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है और वह अपने स्थान पर ही उपस्थित होता है, दैट्स व्हाई एग्जाम्पल ऑफ जोनल सॉइल। रेड सॉइल भी आर्कियन चट्टान के विखंडन से होता है, तो वह भी जोनल सॉइल के उदाहरण होंगे। जबकि एजोनल सॉइल के एग्जाम्पल हो जाएंगे एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, निर्माण कहीं और होता है और नदी के द्वारा बहा करके उसको ट्रांसपोर्ट करके कहीं और डिपॉजिट किया जाता है, दैट्स व्हाई एल्यूवियल सॉइल इज एग्जाम्पल ऑफ अजोनल सॉइल। लोएस मिट्टी, ध्यान रखना है लोएस मिट्टी का निर्माण होता है वह एयर ट्रांसपोर्टेशन से, तो लोएस मिट्टी ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एजोनल सॉइल। अब इंट्राजोनल सॉइल में मैंने बोला सॉइल वही होता है जहां पे उसका विखंडन हुआ है लेकिन उसके खनिज के गुण और पैतृक चट्टान जो पैटर्नल रॉक्स है जिससे उसका निर्माण हुआ है उसके खनिज के गुण में डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो इसका यहां पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा यहां पे आंसर होगा लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन
उसी क्षेत्र में होता है जहां पे वह विखंडित हुआ है, लेकिन लेटराइजेशन की क्रिया होती है ड्यू टू क्लाइमेट, क्लाइमेट के कारण जो होती है उसके लेटराइजेशन की क्रिया होती है और लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज लेटराइट सॉइल। यहां पे क्या होगा हमारा, लेटराइट सॉइल इसका आंसर होगा। काली मिट्टी भी किसका एग्जांपल है, वह जोनल सॉइल का एग्जांपल है। लाल मिट्टी भी जोनल सॉइल का एग्जांपल है। और एल्यूवियल, या एल्यूविनी नहीं है, यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है। राइट एंड स्पेलिंग एल्यूवियल सॉइल, यहां पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी क्या है, वह अजोनल सॉइल का एग्जांपल है। और लेटराइट मिट्टी क्या हुआ, इंट्राजोनल सॉइल का उदाहरण है। तो चार नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, डी। अब आइए पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which one of the following countries is the leading producer of cotton in the world? मैंने पहले कहा था कुछ ऐसे questions होते हैं हाँ, जहां पे India क्या करता है, lead करता है, या India leading exporter होता है, या India leading importer होता है। तो agriculture से world geography में आप देखोगे, world economic geography में agriculture से, mineral से एक question होता है, और उस question के पूछने का trend ही कुछ ऐसा ही है। तो यहां पे right answer हमारा क्या है, इंडिया है। इंडिया क्या है, वह लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वह क्या है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, कॉटन का। तो भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो गया है, रिसेंट डेटा कहता है। जबकि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री कौन सा है, वह है यूएसए। सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, वह यूएसए है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ लोअर लैटिट्यूड ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका। अब देखो मैंने पहले ही बोला था क्लाइमेट से, जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है वहां से क्वेश्चन आते हैं। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में क्लाइमेट के साथ साथ उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही हमारा वेजिटेशन होता है, जो वनस्पतियां होती है वह निर्धारित होती है। तो उस वनस्पति से भी एक क्वेश्चन आते हैं, और उस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है जो ग्रासलैंड एरिया होते हैं वर्ल्ड वाइड जो पाए जाते हैं, उससे क्वेश्चन होता है। और यह ग्रासलैंड एरिया दो प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल होता है, उष्णकटिबंधीय होता है, दूसरा टेम्परेट होता है, शीतोष्ण होता है। तो यह ट्रॉपिकल और टेम्परेट से जो है देखोगे आप रेगुलर क्वेश्चन आते हैं। पहले तो क्वेश्चन का लेवल सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, जैसे लानोस कहां पाया जाता है, या जो ऑप्शन मैंने दे रखा है यहां पे, पैंपास कहां पाया जाता है, कैंपोस कहां पाया जाता है, वेल्ड कहां। लेकिन अब थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, जो लास्ट ईयर का ट्रेंड आप देखोगे तो यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द नेम ऑफ लोअर लैटिट्यूड ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका। ऑप्शन सर लानोस, पैंपास, कैंपोस और वेल्ड। अब देखो यहां पे दो ऑप्शंस हमारे मिल रहे हैं। सबसे पहले लोअर लैटिट्यूड मींस निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, अर्थात यह क्या होगा, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात कर रहा है। 23.5 डिग्री 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के आसपास के क्षेत्र की बात कर रहा है। तो लोअर लैटिट्यूडनल एरिया की बात कर रहा है, हाइयर लैटिट्यूडनल एरिया की बात नहीं कर रहा है। तो दो ग्रासलैंड एरिया हमें यहां पे दिख रहा है, जो दो लोअर लैटिट्यूडनल एरिया का है। एक लानोस है जो कि वेनेजुएला में है, दूसरा है कैंपोस है जो कि ब्राजील में है, जबकि पैंपास जो है वह अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका। यह तीनों ग्रासलैंड एरिया साउथ अमेरिका के ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है पैंपास जो है वह हाइयर लैटिट्यूडनल। अगर यहां पे हाइयर लैटिट्यूडनल एरिया लिखा रहता हमारा आंसर पैंपास हो जाता, जबकि यहां पे लोअर लैटिट्यूडनल एरिया लिखा है तो लानोस और कैंपोस। लानोस वेनेजुएला रीजन में और कैंपोस जो हमारा कहां है, ब्राजील में है। तो दो ऑप्शंस यहां पे सही है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। अब थोड़ा हमको हम लोग इसको डिटेल में मैप पे देखते हैं, जो टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहां कहां है। ये फिगर दे रखा है, येलो कलर जो है वह टेम्परेट ग्रासलैंड को डिनोट कर रहा है, और ग्रीन कलर जो है वह ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को। तो टेम्परेट ग्रासलैंड का एरिया यह है, ये सारे एरिया जो है क्या, यह शीतोष्ण घास के मैदान के एरिया है, और ये सारे एरिया जो है क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के एरिया है। लेकिन इतना से ही हमारा काम नहीं चलेगा, तो हमारा काम किससे चलेगा, हमारा काम इसके स्थानीय नाम से, लोकल नेम, नाम क्या है इसका, किस स्थान पे क्या कहा जाता है, उससे चलेगा। जैसे प्रेरी स्टेपीज आप सुने होंगे, अर्जेंटीना में पंपास, देख रहे हैं प्रेरी स्टेपीज ये सारे हैं, अर्जेंटीना में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स, अफ्रीका में भी एक और है वेल्ड है। ये सारे जो है ये शीतोष्ण घास के मैदान के उदाहरण है, जबकि सवाना अफ्रीका में सवाना घास का मैदान जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का उदाहरण है। यही वेनेजुएला में लानोस जो मैंने बोला था अभी, यह क्या है, लोअर लैटिट्यूडनल ग्रासलैंड है, यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण है। और यहीं पे है तुम्हारा कैंपोस, आपका कैंपोस जो ग्रासलैंड है वह भी क्या है, लोअर लैटिट्यूड
लैटिट्यूडनल ग्रासलैंड का उदाहरण जो ब्राजील में है, जबकि यहां पे यह कैंपोस को यहां पे डिनोट किया है, थोड़ा सा नीचे किया है, लेकिन एक्चुअल में इसका लोकेशन कुछ ऐसे होगा, ठीक है। कैंपोस यहां पे क्या है, वेनेजुएला में पैम्पास, पैम्पास क्या है, यह टेम्परेट ग्रासलैंड का उदाहरण है। तो इस तरह से ग्रासलैंड एरिया से आपके क्वेश्चंस होते हैं, तो आप यहां पे ही समझिए और आप अपने एक्सरसाइज में भी इसको रखिएगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन रेगुलर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूह अल खाली डेजर्ट लोकेटेड एट, एक डेजर्ट से भी क्वेश्चन होता है जनरली, तो रूह अल खाली डेजर्ट कहां लोकेटेड है। सबसे पहले तो समझना है यह रूह अल खाली डेजर्ट काइंड ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट। अब डेजर्ट भी दो प्रकार का, जैसे घास का मैदान दो प्रकार का था, उसी तरह से डेजर्ट भी दो प्रकार का, एक ट्रॉपिकल होता है, दूसरा टेम्परेट। एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए, जैसे राजस्थान में हमारा थार डेजर्ट है, वह ट्रॉपिकल डेजर्ट का उदाहरण है, और लद्दाख भी डेजर्ट है, जनविहीन है, तो वह टेम्परेट डेजर्ट का, शीतोष्ण डेजर्ट का उदाहरण है। तो डेजर्ट दो तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। रूह अल खाली डेजर्ट लोकेटेड एट, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे यह रूह अल खाली डेजर्ट किस कैटेगरी का डेजर्ट है, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है। तो ऑस्ट्रेलिया है एक हमारा ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, ये सारे डेजर्ट होते हैं। ईरान, ईरान भी हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा, रूबल नेफज और रूबल खाली डेजर्ट जो है वह ईरान में नहीं है। ईरान में दो डेजर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट, यह भी ट्रॉपिकल डेजर्ट है और इसको याद रखना है, दस्त ए कबीर, दस्त ए लूट, यह ईरान में है। सऊदी अरबिया हमारा सही आंसर है, सऊदी अरबिया में दो डेजर्ट है, एक है अल नेफुद कहते हैं, या कहीं कहीं नेफद भी देखेंगे लिखा रहता है, और दूसरा है रूब अल खाली। यह दोनों डेजर्ट कहां है, सऊदी अरबिया में। नॉर्थ अफ्रीका में भी, नॉर्थ अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है, काफी फेमस है यह। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, सऊदी अरबिया। अगर मैप पे आप देखेंगे इसका लोकेशन, तो अल नेफुद यह देखिए डेजर्ट का लोकेशन है, और रूब अल खाली सऊदी अरबिया में यह है, यह नॉर्दर्न पार्ट में है और यह क्या है, साउदर्न पार्ट में। अगर कभी अगर बहुत डिटेल्स में जाएगा तो रूह अल खाली सऊदी अरब के किस पार्ट में है, तो साउदर्न पार्ट में है, या नेफुद डेजर्ट सऊदी अरब के किस पार्ट में है, तो वह नॉर्दर्न पार्ट में। कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन का हो सकता है फॉर्मेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, द लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो, हमारा वीडियो क्लास ही, वीडियो लेक्चर भी डाला जा रहा है, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा दिए जाएंगे आपको, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, उसको आप लोग देखिएगा। लेकिन यहां पे हमारा क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट डे ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तीन चार ऑप्शन है, 21 जून 21 मार्च 22 सितंबर और 22 दिसंबर। तो राइट आंसर इज 21 जून, ध्यान रखना है 21 जून को सूर्य की किरणें जो है वह कर्क रेखा लाइन ऑफ कैंसर पे लंबवत होती है, ठीक है, और 22 दिसंबर को क्या होता हुआ, मकर रेखा लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लंबवत होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, 21 जून को उत्तरायण की स्थिति होती है और उत्तरी गोलार्ध में समर सीजन होता है, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, जबकि सेम टाइम 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लॉन्गेस्ट नाइट होता है। तो इस तरह से याद रखना है, और 21 मार्च और 22 सितंबर, कहीं कहीं यहां पे 23 सितंबर भी लिखा रहेगा चलेगा हमारा, तो 21 मार्च और 23 सितंबर वह दो डेट है जब इक्विनॉक्स होता है, जब सूर्य की किरणें क्या होती है, वह विषुवत रेखा लाइन इक्वेटर पे क्या होती है, वह वर्टिकल होती है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या होगा, 21 जून। यहां पे इस फिगर में भी आप देख सकते हैं 21 जून का को यह डिनोट कर रहा है 21 जून को, एक मिनट मार्कर का कलर चेंज कर लूं मैं यहां पे, हाँ 21 जून को यह डिनोट कर रहा है समर सोलस्टिक को, लाइन देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल है, तो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत है, जबकि स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटमन इक्विनॉक्स तो यह दोनों क्या है, यह विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर जो मैंने बोला, या 22 सितंबर वह यही डेट है। फिर 22 दिसंबर क्या है, वह विंटर सोलस्टिक, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में साउदर्न हेमिस्फीयर में जो दिन की लंबाई होगी वह अधिक होगी, और 22 दिसंबर को साउदर्न हेमिस्फीयर का सबसे लॉन्गेस्ट डे होगा, तो सेम टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट नाइट होगा। साउदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का क्या होगा, लॉन्गेस्ट नाइट होगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर का क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे होगा, वाइस वर्सा उल्टा चलता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट इंश्योर द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ टी इन इंडिया। देखो कि टी कॉफी वगैरह रेगुलर क्वेश्चन के फॉर्म में होता है, रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैक्सिमम टी प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है इंडिया में, तो राइट आंसर इज असम।
सबसे अधिक कहां होता है भारत में चाय का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है, असम में होता है। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है टी प्रोडक्शन एरिया कौन कौन से हैं, तो देखो मैप पे जो सेट कर रखा है ये सारे एरिया टी प्रोड्यूसर एरिया है, ये सारे एरिया क्या है टी प्रोड्यूसर, जहां पे टी का प्रोडक्शन होता है। ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र पे भी टी का प्रोडक्शन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, कोरिलेट लिस्ट फर्स्ट फॉरेस्ट टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजिटेशन से क्वेश्चन होता है और कभी कभी तो बहुत आसान भी होते हैं लेकिन कभी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ रखा है, यह क्वेश्चन एज यूजुअल मैंने बीपीएससी में जो पूछा है वही दिया है। लिस्ट सेकंड रीजन इन इंडिया द सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग कोट्स गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है। यह हमारा क्वेश्चन है, पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है मानसून फॉरेस्ट, तीसरा है टेम्परेट फॉरेस्ट, चौथा है टेम्परेट फॉरेस्ट और चौथा है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है किस एरिया में कौन सा फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल इवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार वन, ऑब्वियस सी बात है ट्रॉपिकल इवरग्रीन फॉरेस्ट किस एरिया में होगा, सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो सीधा सीधा यहां रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन से, और इंडिया में जो वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वह रेनफॉल के अकॉर्डिंग ही होता है, जहां पे वर्षा अधिक होती है तो वहां पे उसी नेचर का वेजिटेशन होता है। इसलिए आप देखेंगे एनसीईआरटी में एक फिगर बना होता है, उस फिगर का कुछ यह फॉर्मेट होता है, यह फॉर्मेट मींस जैसे जैसे आप ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं तो जो वनस्पति की हाइट होती है वह क्या होती है, कम होती है। यह इंडिकेट करता है जो ईस्ट टू वेस्ट हमारा क्या होता है रेनफॉल भी, मिडिल में प्लेन की है, प्लेन एरिया की बात कर रहा हूं मैं, तो ईस्ट टू वेस्ट क्या होता है रेनफॉल भी कंटिन्यूअसली कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो एनसीईआरटी में देखोगे आप यह फिगर बना हुआ है। तो ट्रॉपिकल इवरग्रीन फॉर 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा कहां होगी इस मैच इस लिस्ट में आप देखेंगे तो शिलोंग का एरिया जो है, और सह्याद्री मींस वेस्टर्न घाट माउंटेन्स, वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहा जाता है, यह ध्यान रखना, यह अपने आप में एक क्वेश्चन हो रखा है, पूछ रखा है। तो उस दोनों क्षेत्र में कहां होते 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो ए का सही मैचिंग क्या हो जाएगा दो। फिर मॉनसूनल फॉरेस्ट, मॉनसूनल फॉरेस्ट मींस मानसूनी वन, पतझर वन, मानसूनी वन किसका ज्ञान, पतझर छोटा नागपुर प्लेटी और शिवालिक रेंज में क्या होगा मानसूनल फॉरेस्ट, बी का एक। दूसरा आप मैचिंग इससे ही निकाल सकते हो मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां होगा, ऑब्वियस सी बात है वह वेस्ट बंगाल के रीजन में होगा, वेस्ट बंगाल में क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां होता है वह कोस्टल एरिया में होते हैं, और पश्चिम बंगाल में क्या है वह पश्चिम बंगाल एक तटीय स्टेट है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट होगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट से आप देखोगे कहीं ना कहीं इंटरलिंक करके रेगुलर बेसिस पे ना कहें तो अल्टरनेट ईयर में जरूर क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंग्रोव फॉरेस्ट का सबसे अधिक एक्सपांशन भी अगर देखा जाए तो वह वेस्ट बंगाल में ही है, यह भी इंपॉर्टेंट है याद रखना है। क्योंकि और दूसरा मैंग्रोव फॉरेस्ट का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट का कुछ इस तरह से देखोगे स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, ये जड़ें होती है उसकी वह वाटर में होती है, और तना जो होता है उसका क्या होता है वह काफी ऊपर होता है, और जड़ जो होता है वह क्या होता है चूंकि कोस्टल एरिया में होता है, यह कोस्टल वेव से जड़ क्या करता है एक जैकर का काम करता है, इसको क्या करता है कोस्टल वेव्स को लैंड एरिया में बहुत इंट्री नहीं देता, जिससे वाटर सैलिनिटी जैसा प्रॉब्लम नहीं होता है। साथ ही साथ क्या होता है जब यहां से फ्रेश वाटर नदियां आकर के समुद्र में मिलती है तो वह डायरेक्ट मिलने नहीं देता, यह जड़ क्या करता है उसको कुछ देर के लिए अपने साथ एब्जॉर्ब करके रखता है, जिस कारण से क्या होता है यह वाटर फिल्टर होकर के ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है। तो इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी के लिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। जब हम लोग इकोलॉजी बेस्ड वीडियो टॉपिक लेके आएंगे तो उसमें और डिटेल डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए का दो, बी का एक, सी का चार, टेम्परेट फॉरेस्ट चार, और डी का तीन। तो राइट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी में वही क्वेश्चन है, हिंदी में भी लिख रखा है। फिर हाउ मेनी कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, हाउ मेनी कोर इंडस्ट्रीज, भारत में कितने कोर इंडस्ट्रीज हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन आर 7, 8, 9, 11, नन ऑफ देयर मोर देन, तो राइट आंसर इज 8। हमारे यहां कितने टोटल कोर इंडस्ट्रीज हैं, 8 है। कौन कौन से कोर इंडस्ट्रीज हैं, पहला है कोल, दूसरा है क्रूड ऑयल, याद रखना है, कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछ रखा है जो कौन कौन से इंडस्ट्रीज कोल इंडस्ट्रीज में कंसिडर होते हैं, तो पहला है कोयला, दूसरा है क्रूड ऑयल, तीसरा है नेचुरल गैस, चौथा है रिफाइनरी प्रोडक्ट, पांचवा है फर्टिलाइजर, छठा है स्टील, सातवां है सीमेंट, आठवां है इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर अवर कोर इंडस्ट्रीज, ये सब हमारे क्या है कोर इंडस्ट्रीज हैं। तो दोस्तों आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, लेकिन आप क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो
प्रॉपर ट्रेंड पे क्वेश्चन हमारा है, जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेड भी है लेकिन कुछ क्वेश्चन एकदम ट्रेंड पे है और उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और आने वाले दिनों में हम लोग सारे एग्जाम को लेकर के यूपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और इवन वन डे एग्जाम को लेकर के अलग अलग फैकल्टीज, अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको यह एमसीक्यू सीरीज डाला जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सही समय पर यह क्वेश्चन आपको मैं आप तक मैं पहुंचाता रहूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।